A very good evening to everybody. Welcome to an academy. मैं हूँ प्रियंका उपाध्याय और आज सभी लोगों का आपका स्वागत है इस करंट अफेयर्स के क्विज सीरीज में जिसकी शुरुआत हमने कल से की है. नाउ ये अन अकेडमी के द्वारा एक क्विज सीरीज है जो कि कल से स्टार्ट हुआ है. टाइमिंग है इसका 6 बजे डेली शाम को 6 बजे हम लोग जितनी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको क्विज के फॉर्म में कम्प्लीट करेंगे. नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब और टेलीग्राम दो ऐसे चैनल्स हैं हमारे जहाँ पर डेली बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका डिस्कशन या उसका आंसर मैं बताऊंगी आपको अभी की क्लास में इवनिंग क्लास में. ठीक है, अब आज का जो क्वेश्चन था जो कि अपलोडेड था हमारे साइट पे वो था कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने COVID-19 में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता शुरू की है. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इंटरनेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन एट COVID-19. ठीक है, तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. ठीक, COVID-19 के थीम पर कल्चरल पार्टनरशिप के लिए या अलग अलग कंट्रीज के कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये एक इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन जो है वो चालू किया गया है. ठीक है, ICR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस जो है इन्होंने ग्लोबल लेवल पे ये एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो है वो रखा था कोरोना वायरस के थीम पे जहाँ पर कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स को पता करने के लिए ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो है वो रखी गई थी. नाउ इसका जो टाइटल था या हम कह सकते हैं इस कॉम्पिटिशन का जो थीम था वो था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट. ठीक है, मतलब पेंटिंग्स के थ्रू आर्ट के थ्रू कई सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के लोग अपना जो एक्सप्रेशन है या उनका क्या व्यू है COVID-19 को लेकर या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग देश के पार्ट्स में अलग अलग राज्यों में जगहों पे क्या उसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है तो उसको वो अपनी पेंटिंग या आर्ट के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थीम पे ये जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन है वो रखी गई थी. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस कॉम्पिटिशन को अनाउंस किया था एंड जो लॉन्च किया गया है मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी थी वो थी आपकी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस. ठीक है, तो यहाँ पर आर्ट का कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं था कि वो लोग सिर्फ से मतलब पेस्टल कलर या फिर कोई आपकी वाटर कलर से ही पेंट कर सकते हैं, जो भी उनको ठीक लगता है. फोक आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है, कार्टून्स ड्रॉ करना, डिजिटल आर्ट करना, कंटेम्प्रेरी आर्ट करना, किसी भी तरीके का जो चित्र है वो बनाकर जो है उनको भेजना था अलग अलग कंट्रीज के लोगों को भेजना था या रादर भेजना है बाय May 1, 2020. ठीक है, तो ये एक पहल ली गई है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा जहां पर अलग अलग कंट्रीज के कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए ये पहल जो है वो ली गई है. नाउ अगर हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तो इनकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए कि ये जो आपका यूनिट है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एक स्वायत्त संगठन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 9 अप्रैल 1950 में. 1950 में इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा. हेडक्वार्टर्स जो है ICCR का वो है न्यू दिल्ली में. इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है अखिलेश मिश्रा. ठीक है, तो ये एक इवेंट था जिसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हमने बात की. मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन ये है कि विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे है ना, जो आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है 2020 का जो ऑब्जर्व किया गया था उसका थीम क्या है या उसका विषय क्या था? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स विद ऑटिज्म, इंक्लूजन एंड न्यूरोडाइवर्सिटी या फिर टूवर्ड ऑटोनमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो ऑटिज्म है ये होता क्या है. ऑटिज्म एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, मतलब आपका नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन होता है या जो मैनेजमेंट हम कह सकते हैं वो प्रॉपर नहीं रहता और ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, तो ऑटिज्म जो होता है यहाँ पर इस डिसऑर्डर की वजह से इस मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से बच्चे जो हैं उनके बिहेवियर में, उनके बोलने में, उनके मतलब कोई भी काम करने में थोड़ा सा एक अलग सा बिहेवियर उनका नज़र आता है जहाँ पर वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पाते, ठीक तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
लोगों के बीच में उन्हें जाने से डर लगता है ना। कभी भी अगर तेज आवाज आ जाती है या बिल्कुल तेज अगर रोशनी कहीं आ जाती है तो उनको उससे डर लग जाता है। तो ये कुछ उनमें सेंसिबिलिटी के इश्यूज रहते हैं जो कि रहता है ऑटिज्म, कहलाता है ये ऑटिज्म। तो इसके अवेयरनेस के लिए मतलब जो भी लोग इससे ग्रसित हैं या जो बच्चे जो लोग इससे ग्रसित हैं उनके प्रति एक रुझान दिखाना या उनके साथ में कुछ टाइम बताना जिससे कि उनको ये एहसास हो कि वो कोई अलग नहीं है, वो सोसाइटी का ही एक पार्ट है। तो इसके अवेयरनेस के लिए एक दिन जो है वो मनाया जाता है जो कि है अप्रैल 2nd। हर साल अप्रैल 2nd को ये मनाया जाता है और इस बार भी 2020 का जो थीम था वो था ऑप्शन नंबर 1। ये जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, ये इसका थीम था फॉर ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो कि मनाया जाता है अप्रैल 2nd को और ये 2020 का थीम रहा है। नाउ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे अप्रैल 2nd जैसा मैंने अभी आपको बताया ये मनाया जाता है एंड हर साल ठीक है एवरी ईयर इट इज ऑब्जर्व पूरे विश्व में ठीक है पूरे विश्व में जितने भी हमारे मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के ठीक है हमारे संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य राज्य हैं उन लोगों को अवेयरनेस करने के लिए बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पर बच्चे बड़े लोग जितने भी लोग हमारे ऑल ओवर नेशन में इंक्लूडेड हैं उन सभी को अवेयर किया जाता है ऑटिज्म से रिलेटेड। ठीक है तो यहाँ पर जितने भी लोग या बच्चे सफर कर रहे होते हैं उन लोगों को एक प्रोत्साहन देना, उन लोगों के साथ में थोड़ा सा टाइम बिताना जहां पर उनको अच्छा फील हो या फिर उनको ये ना लगे कि वो कुछ डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, इस चीज के लिए ये एक डे जो है ये एक दिन जो है वो कम्प्लीटली डेडिकेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है ब्लू कलर इसका कलर कोड रहता है, अगर आपने इसका कभी लोगो देखा होगा तो वो ब्लू कलर का रहता है जो कि कंसिडर किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ ऑटिज्म। ठीक है अभी का जो थीम था 2020 का वो था ट्रांजिशन टू अडल्टहुड और पहला जो ऑब्जर्वेशन था जो पहली बार इसको अवेयरनेस डे जो हमारा ऑब्जर्व किया गया था वो था 2008 में। ठीक है तो ये डिटेल्स है रिलेटेड टू ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अगर मैं इस अवेयरनेस डे के बारे में और बताऊं या इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करें तो इसको जो डेजिग्नेट है ठीक है इसको जो डेजिग्नेट किया गया था वो किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका जो निर्धारण है वो किया गया है 1 नवंबर 2007 को ये परिषद में पारित किया गया था और 18 दिसंबर 2007 को ये फाइनली इंप्लीमेंट हुआ था यानी कि इसको अपनाया गया था। ठीक है 2 अप्रैल 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस घोषित कर दिया गया था। ठीक है तो यहाँ पर इसका जो पहला कंसेप्ट है यानी कि ये अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए ये सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया या किसके किसकी पहल थी ये। ठीक है कतर की जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है शेख मोजा बिंत नासिर अल मिसनेद, ठीक है ये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं कतर से, तो यहाँ पर इन्होंने बोला था या इन्होंने प्रपोज किया था कि ये जो अवेयरनेस डे है ये जो आपका ऑब्जर्वेशन डे है ये मनाया जाना चाहिए, है ना, कि जागरूकता जो है ऑटिज्म के बारे में वो लोगों को दी जाए जहां पर उन्हें एहसास हो या उनको ये रियलाइज हो कि लोग इस तरीके के डिजीज या इस तरीके के डिसऑर्डर को भी फेस करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। ठीक है ऑटिज्म के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक आजीवन न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो कि लिंग जाति सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद बचपन में हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से जेंडर में है कौन सा रेस या कौन से स्टेटस को बिलोंग कर रहे हैं, एक तरीके का मेंटल डिजीज होता है वो जो कि लाइफ लॉन्ग या आजीवन रहता है स्पेशली बच्चों में। ठीक है मतलब बच्चों में या चाइल्डहुड से ही वो शुरू हो जाता है किसी मिडिल स्टेज में नहीं आता, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वो रहता है जो कि लाइफ लॉन्ग रहता है, उसका कोई ट्रीटमेंट हालांकि एज सच पॉसिबल नहीं रहता। ठीक है नाउ बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि COVID-19 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सशक्त समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कमिटी जो है वो बनाई गई थी जो कि रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर दो सेंटेंस या दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है या दोनों सही है या दोनों गलत है। ठीक है पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सेकेंड सेंटेंस ये कहता है कि समिति का मुख्य उद्देश्य COVID-19 महामारी के लिए परीक्षण की सुविधा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर तेजी से निर्णय लेना है। ठीक है तो इस
कमिटी के संदर्भ में ये जो सशक्त समिति बनाई हुई है उसके संदर्भ में सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही है। नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता जो है वो नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? इसकी जो अध्यक्षता है वो करेंगे प्रोफेसर विनोद पॉल, ठीक है। नीति आयोग के ये एक मेंबर हैं, ये एक सदस्य हैं, और इनके साथ साथ में प्रोफेसर के विजय राघवन जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है, जो कि वैज्ञानिक सलाहकार हैं, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, वो ये दो व्यक्ति जो हैं ये इसको पूरा लीड करेंगे इस कमेटी को, ठीक है। अब ये जो कमेटी है ये स्थापित की गई थी 29 मार्च 2020 को, जहां पर इसका काम क्या रहेगा कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने भी हमारे वैज्ञानिक एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे उद्योग हैं यानी कि इंडस्ट्रीज हैं और नियामक संगठन हैं यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनके साथ में कोऑपरेट करके, उनके साथ में पूरा एक कोऑर्डिनेशन करके किस तरीके से हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कोविड 19 केसेस के लिए, वो काम जो है यहाँ पर इस कमेटी का रहेगा, ठीक है। तो इस कमेटी में कौन कौन सी यूनिट या कौन कौन से और डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे? सबसे पहला इसमें इंक्लूडेड रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, DST जिसको कहा जाता है, समिति विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DRDO, ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के साथ में ये काम करेगी, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है या इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोविड 19 महामारी के लिए जो भी परीक्षण की सुविधा है उसको बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान और विकास पर तेजी से निर्णय लेना है, ये इनका मेन फोकस है, ठीक है। तो ये जो कमेटी है ये बनाई गई है अभी मार्च 2020 में, जो कि किसके द्वारा हेड की जाएगी उसके बारे में हमने बात की और इसका क्या मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पर अभी हमने देखा है। नाउ बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के लिए विश्लेषण के अनुसार, के नए विश्लेषण के अनुसार निम्न में से कौन सा देश कोरोना वायरस महामारी के चलते मंदी से सुरक्षित है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि अभी जो यूनिसीटैड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, यूनिसीटैड, उनकी एक एनालिसिस के द्वारा कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि कोरोना वायरस इंड्यूस्ड रिसेशन से बच जाएगी या फिर उससे सुरक्षित है, तो इसका सही आंसर होगा चाइना, ठीक है। चाइना के साथ साथ में आप बहुत ज्यादा शायद आश्चर्यचकित होंगे कि इंडिया भी, चाइना और इंडिया ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कोरोना वायरस महामारी के चलते मंदी से सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि इन लोगों को गवर्नमेंट का जो आपका पैकेज है, ह्यूज गवर्नमेंट पैकेज इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका भारी भरकम एक सरकारी पैकेज की जो घोषणा है वो की गई है, G20 कंट्रीज के मुताबिक उनकी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए ये पैकेज $5,000 अरब का होगा, ठीक है। उनकी इकोनॉमी या उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इतना सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट करेगी या प्रोवाइड करेगी चाइना और इंडिया को, ठीक है। अब अगर ऐसे ओवरऑल में देखूँ तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान हुआ है क्योंकि कोविड 19 के चलते जो अभी पूरा लॉकडाउन है पूरे इंटायर नेशन में या इंटायर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में, तो किसी भी तरीके का व्यापार, किसी भी तरीके का ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सब ठप है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। बट स्पेशली ये जो गवर्नमेंट पैकेज दिया जाएगा इंडिया और चाइना को उनके इकोनॉमी के लिए, तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि ये लोग रिसेशन में या फिर जो मंदी है इन कंट्रीज पर नहीं आएगी, ठीक है। सो दिस इज अ बिग न्यूज विच इज रिलेटेड टू चाइना एंड इंडिया। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके कुछ बेसिक जानकारी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यानी कि एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जिसका जिसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना हुई है। जनीवा में इसका हेडक्वार्टर्स है और इसको जो स्थापक है दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनिसीटैट के, उनका नाम है मुकीशा कितुई, ठीक है, मुकीशा कितुई जो है इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान
आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ई पास जारी करने हेतु मोबाइल ऐप प्रज्ञाम को लॉन्च किया है। ठीक है, इनमें से एक स्टेट है जिन्होंने प्रज्ञाम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जहां पर जितने भी लोग जो मतलब इम्पोर्टेंट सर्विसेज या जो एसेंशियल गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों को ई पास जारी किया जाएगा। मतलब ऐसे तो लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, पर अगर कोई भी डिलीवरी पर्सन जो कि एसेंशियल कमोडिटी का या फिर आवश्यक सेवाओं में इंक्लूडेड है, वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको जो ई पास है वो जारी किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। तो वो लॉन्च किया हुआ है झारखंड के द्वारा। ठीक है, झारखंड स्टेट ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। नाउ अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रज्ञाम, उसको लॉन्च किया है, जहां पर ई पासेस जो है वो इशू किए जाएंगे हर एक व्यक्ति को जो कि इन्वॉल्व है डिलीवरी में ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मतलब आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए ई पास जो है वो जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप का लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स पे ये काम करेगा और लोकल लेवल पे ही इसको डिजाइन किया हुआ है और गूगल प्ले स्टोर से ये जो एप्लीकेशन है ये इजिली डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं ये इशू करेंगे एक ई पास उन सारे लोगों को जो कि मतलब कोई भी सर्विस डिलीवरी में इंक्लूडेड हैं। इनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले एप्लीकेशन पे और फिर उस बेसिस पे इनको ई पास दिया जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जो भी लोग फंसे हुए हैं या जो शायद अपनी होम टाउन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेसिस पे फिर इनको एक ई पास दिया जाएगा, जिससे कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान भी ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो पूरा ये एक ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, कहीं फंसा हुआ है या उनको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इस ई पास के बेसिस पे वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पासेस है ये इशू किए जाएंगे डेली मेडिकल, बैंकिंग और दूसरे एसेंशियल सर्विसेज एंड एसेंशियल गुड्स की डिलीवरी पर्सन्स को। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? झारखंड स्टेट के द्वारा। झारखंड की थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में ये स्टेट लोकेटेड है। ठीक है, जो कि 28वां स्टेट है इंडिया का और ये फॉर्म हुआ था साल 2000 में, 15 नवंबर 2000 को जो इसका गठन है वो हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वो है रांची। इसके जो राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और जो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है झारखंड स्टेट के उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, नाउ प्रज्ञाम ये उसका एक सैम्पल पेज है ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप देख सकते हैं, प्रज्ञाम नाम है उस एप्लीकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियम 1945 के तहत कितने मेडिकल उपकरणों की अधिसूचित को अधिसूचित किया है? ठीक है, ये जो एक्ट है हमारा दैट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट रूल 1945। ठीक है, अब ये जो ये अधिनियम होता है, एक्ट का जो अधिनियम होता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी ड्रग्स या मेडिसिन जो पूरे कंट्री में पूरे इंडिया में जो दिए जा रहे हैं उनका क्वालिटी जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो सेफ होने चाहिए, ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई है आपके इस एक्ट में। इस रूल्स के तहत, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स के तहत ये बताया हुआ है कि जो भी ड्रग्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं या जो फार्मासिस्ट स्टोर कर रहे हैं उनका स्टोरेज किस तरीके से होना चाहिए, उनका डिस्प्ले किस तरीके से होना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर प्रिस्क्रिप्शन के बिना आता है तो वो ड्रग उनको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन रूल्स में मेंशनड है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी सारे ड्रग्स या मेडिसिन का प्राइस जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के बढ़ाकर जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने उन सारे ड्रग्स को या टोटल ऐसे कुछ कैटेगरीज बना दी हैं ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स की, जहाँ पर उन्होंने एक लिमिटेशन सेट कर दिया है कि इतने ड्रग्स का प्राइस जो है वो फिक्स रहेगा और बाकी कुछ ड्रग्स या कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जिनका MRP अगर उनको इंक्रीज करना है, एक मार्जिन भी अगर वो सेट करना है उनको, तो वो 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं एक साल में। ठीक है, तो ऐसे कितने यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस का अलग अलग क्लास या सेगमेंट किया हुआ है, वो किया गया है 24। ठीक है, टोटल 24 मेडिकल इक्विपमेंट्स का या मेडिकल डिवाइसेस का पूरा अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है जिसके तहत उनको
इट इज नोटिफाइड अंडर द एक्ट एंड द रूल्स. ठीक है, तो 24 क्लास ऑफ मेडिकल डिवाइसेज जो है यहाँ पर नोटिफाई किए गए हैं अंडर दिस एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945. चार ऐसे डिवाइसेज हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर जहाँ पर इनकी प्राइजेस जो हैं वो फिक्स कर दी गई हैं. बाकी के जितने भी आपके डिवाइसेज हैं जो कि नोटिफाइड हैं इस एक्ट और इन रूल्स के तहत, तो यहाँ पर जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी है जो कि आपके ड्रग्स का या जो भी कॉस्मेटिक्स है उसका प्राइस इवैल्यूएशन या फिक्सेशन करती हैं, उन्होंने ये बताया है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी इम्पोर्टर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो एक साल के अंदर अंदर 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता. ठीक है, 10% का पूरा जो क्राइटेरिया है उनको दिया गया है कि एक साल में वो मैक्सिमम मार्जिन जो अपना रखना चाहते हैं दैट कैन बी मैक्सिमम 10%. ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 से जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको रेगुलेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, एज ड्रग्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्राइस मॉनिटरिंग, है ना, मतलब उनकी क्वालिटी और जो प्राइस चेक है ना, जो कैपिंग होती है प्राइस की वो वहां पर सेट कर दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, अप्रैल 1st 2020 से वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है. सो दिस इज रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ये जो रूल्स हैं ये इसी अधिनियम के तहत है. ओके, नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया पहले जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि इस अधिनियम के अकॉर्डिंग इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या इनका प्राइमरी मतलब उद्देश्य क्या है, ये सुनिश्चित करना है कि भारत में जितनी भी जो दवाएं हैं और जितने भी आपके कॉस्मेटिक्स बेचे जा रहे हैं वो प्रॉपर मतलब मोड से या प्रॉपर तरीके से वो ट्रांसमिट या डिलीवरी की जाए उनकी. ठीक है, वो सेफ हो और उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत प्रॉपर हो, है ना, बिल्कुल इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट या ड्रग या कॉस्मेटिक जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए. रूल्स के तहत या ये जो रूल्स 1945 बनाए हैं इनका उद्देश्य ये है कि ये बेसिकली कुछ रूल्स का एक ग्रुप है या एक समूह है जहाँ पर जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका स्टोरेज किस तरीके से होना चाहिए, उनका जो डिस्प्ले है वो किस तरीके से होना चाहिए, है ना, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा, मतलब प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई ला रहा है तो हम उनको दे सकते हैं या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर कोई उस ड्रग की डिमांड कर रहा है तो वो देना है कि नहीं देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रूल्स में मैंशनड है. ओके, सो ये आपका है रिलेटेड टू ड्रग्स एक्ट 1940 एंड ड्रग रूल्स 1945. सेवेंथ क्वेश्चन ये वो कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. ठीक है, ये जो सुंदरम होम फाइनेंस है ये एक एनबीएफसी है. एनबीएफसी का मतलब क्या हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हमारे नॉर्मल बैंक से कैसे डिफरेंट रहता है, जैसे बैंक्स में हम लोग देखते हैं ना कि हमारा सेविंग्स अकाउंट या जो हमारा बचत खाता है या करंट अकाउंट है या जो हम लोग जो लेन देन कर पाते हैं पैसों का, डिपॉजिट है, विड्रॉल है, ये सारे ऑपरेशंस हमारे बैंक्स में अलाउड रहता है. पर ये कोर बैंकिंग ऑपरेशंस आपके एनबीएफसी में नहीं अलाउड रहते हैं. ये ऑब्वियसली आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, पर जो अकाउंट मेंटेनेंस और डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश हो पाता है एक नॉर्मल बैंक में वो एनबीएफसीज अलाउ नहीं करता या वो सारे प्रोविजंस यहाँ पर अलाउड नहीं रहते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके का एनबीएफसी है जिसका नाम है सुंदरम होम फाइनेंस. तो इसके प्रबंध निदेशक के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया है, यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डी लक्ष्मी नारायणन. ठीक है, अच्छा इनके पहले कौन थे इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि डी लक्ष्मी नारायण के पहले श्रीनिवास आचार्य जो है ही वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर सुंदरम होम फाइनेंस. ठीक है, अब ये सुंदरम होम फाइनेंस ये एक सब्सिडियरी कंपनी मतलब एक सिस्टर कंपनी है किसकी, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की. ठीक है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के अंदर उन्होंने वापस से अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग कंपनीज और बना के रखी हुई हैं जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं अभी अपॉइंट हुए हैं डी लक्ष्मी नारायण, और इसके पहले जो थे वो थे श्रीनिवास आचार्य. तो 1 अप्रैल से इन्होंने अपना पद संभाल लिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर ये आ चुके हैं. ठीक है, और लक्ष्मी नारायण जी की अगर मैं बात करूं तो सुंदरम फाइनेंस ग्रुप से ये करीब 10 साल से जुड़े हुए हैं और श्रीनिवास आचार्य जी जो हैं वो 2010 से इस कंपनी के एमडी रहे हैं एंड अगेन फाइनेंस सेक्टर में इनका 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है. अगर पूरे में फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस के रेवेन्यू की बात करूँ मतलब जितना प्रॉफिट इस होम फाइनेंस कंपनी ने कमाया है दैट इज 1000 करोड़. ठीक है, ऑलमोस्ट 1006.27 करोड़ जो है टोटल इनकम इस कंपनी की हो चुकी है जिसमें नेट प्रॉफिट इन्होंने कमाया हुआ है 145.48 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019.
तो ये एक अपॉइंटमेंट्स सेक्शन से एक इम्पॉर्टेंट आपका न्यूज था दैट वॉज रिलेटेड टू योर सुंदरम होम फाइनेंस, जिसके कौन अभी रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, एमडी डी लक्ष्मी नारायण। सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे तो ये एक एनबीएफसी है। जैसे मैंने आपको बताया 1954 में जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी और ऑल ओवर इंडिया में इसकी 115 टोटल ब्रांचेस हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग विकसित की है। अब इस एंटी माइक्रोबियल कोटिंग का काम क्या रहेगा कि जितने भी वायरसेस, जितने भी बैक्टीरिया, जितनी भी फंगाई है उसको ये किल कर पाएगा। ठीक है, इसको अगर हम अपने कपड़ों पर किसी भी चीज पर अगर अप्लाई कर देते हैं तो उसे कोई भी अगर वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई है तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंटी माइक्रोबियल कोटिंग को किसने बनाया है या कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, ये हमें पता करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स को मिक्सअप करके ये एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग जो है वो डेवलप की गई है, जो कि जितने भी तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, जैसे कोविड-19 जैसा एक बहुत ही भयानक एक वायरस जो है हमारे अभी पूरे वर्ल्ड में अपना प्रकोप बनाए हुए रखा हुआ है, तो ऐसे वायरसेस को ये किल करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये पूरी कोटिंग या जो एक एंटी माइक्रोबियल कोटिंग है उसको डेवलप की है। और अगर इसको कपड़ों पर, प्लास्टिक्स पे अगर लगाया जाता है, अप्लाई किया जाएगा, तो ये सभी तरीके के वायरसेस, जैसे कोविड-19 जैसे वायरस और भी जो दूसरे वायरसेस हैं, उनको ये कम्प्लीटली किल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को मिक्स करके ये पूरा एक जो कोटिंग है ये बनाया हुआ है और इसको प्रूफ भी कर दिया गया है। मतलब काफ़ी सारे जो रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो अपने जर्नल्स में या अपने लिटरेचर्स में भी इस माइक्रोबियल एजेंट का जो जिक्र है वो कर रहे हैं, जहाँ पर ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेट हो चुका है या फॉर्मली डिक्लेयर किया जा चुका है कि यस इट इज़ जेन्युइन और ये एक माइक्रोबियल कोटिंग की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि ये इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसेस को भी कम्प्लीटली नष्ट कर सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई और जितने भी इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जिससे कि बहुत सारी बीमारियां या डिजीजेस जो फैलती हैं, तो वो सारे वायरसेस को भी ये खत्म कर देगा। इस इंस्टीट्यूट के अगर बारे में हम लोग बात करें जिन्होंने ये इस एजेंट को या इस माइक्रोबियल एजेंट को क्रिएट किया है, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में डील करता है। ठीक है, जयपुर बैंगलोर में ये स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, उसके द्वारा ये जो लॉन्च है या ये जो सेटअप है वो किया गया था। यहाँ के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, उनका नाम है प्रोफेसर CNR राव एंड जो प्रेसिडेंट है इस इंस्टीट्यूट के, उनका नाम है GU कुलकर्णी। ठीक है, तो ये पूरी एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट, जिन्होंने ये माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल कोटिंग जो है वो डेवलप की है सारे तरीके के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई और आपके इन्फ्लुएंजा वायरसेस को खत्म करने के लिए। ठीक है, ये लोगो है या रादर ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च का एक इमेज है यहाँ पर। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि फिलिप वॉरेन एंडरसन का हाल ही में निधन हो गया है, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ठीक है, फिलिप वॉरेन एंडरसन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज नोबेल लॉरिएट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। सो ही वॉज अ नोबेल लॉरिएट इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में 1977 में उन्होंने जो है ये नोबेल पुरस्कार जो है वो जीता था फिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, इनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो 29 मार्च को इनका जो है निधन वो हुआ है। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो आपकी यूएसए में है, वो यहाँ पर एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी रहे थे। और जन्म जो है इनका हुआ था 13 दिसंबर 1923 में यूएसए में ही। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की थी, ग्रेजुएशन इन्होंने यहाँ से अपना किया था 1949 में। और फिर बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज, जो यूएसए का ही एक कंपनी है, लेबोरेटरी है, वहाँ पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन या जो अपना नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट किया था, या रादर यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, तो फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार इनको मिला हुआ है 1977 में। और वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे इन्होंने नेवी में, जो यूएस का नेवी फोर्स है, वहाँ पर भी इन्होंने पूरा मतलब रहे हैं वो उस नेवी में। और ही वॉज असाइंड टू वर्क इन द यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी।
ठीक है, जो यूएस का नेवल रिसर्च लैब है वहां पर ये रहकर इन्होंने पूरा जो अपना काम है, अपना जो एक्सपीरियंस या नॉलेज है वो यहाँ पर इम्पार्ट इन्होंने किया था। ठीक है, सो नोबेल प्राइज पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है इन 1977 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये उनका इमेज है मिस्टर एंडरसन का, ठीक है, हु हैज डाइड ऑन 29 मार्च। नाउ, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, अभी जैसे टोक्यो ओलंपिक्स की हमने बात की थी कि अगले साल तक उसको स्थगित किया गया है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, तो वैसे ही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अभी हमारी 2021 में होने वाली थी उसको कब तक अब पोस्टपोन कर दिया गया है? उसको पोस्टपोन किया गया है 2022 तक। ठीक है, जो 2021 में होने वाला था ये चैंपियनशिप उसको 2022 में अभी पोस्टपोन किया हुआ है। एंड कोरोना वायरस के चलते ही इसका जो रीशेड्यूलिंग है वो हुआ है, जैसे कि अभी हमने टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में भी देखा था। तो ये जो अब होगा चैंपियनशिप्स ये होगा यूएसए में। ठीक है, 6 से 15 अगस्त 2022 में ये जो इवेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स ये अब रहेगा। ठीक है, द अनाउंसमेंट केम इमिडिएटली आफ्टर द 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स पोस्टपोन। ठीक है, जैसे ही टोक्यो ओलंपिक्स का पोस्टपोनमेंट का न्यूज आया था वैसे ही फिर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स को भी जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना इफेक्ट को देखते हुए कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी भीड़ इकट्ठी हो या लोग जो है उसे संक्रमित हो या इन्फेक्ट हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये जो डिसीजन है वो लिया गया है। सो टोक्यो ओलंपिक्स की भी अगर हम बात करें तो 2021 में वो होगी, जुलाई 23 से वो चालू होगा एंड दैट विल कंटिन्यू टिल ऑगस्ट 8th। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट्स हैं जो कि होने वाले थे अभी 20 एंड 21 में, जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है। एक 21 में टोक्यो ओलंपिक्स को और 2022 में जो है वो आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स रहेगा। ओके, नाउ इसके जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक बाइनियल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन होता है। बाइनियल का मतलब क्या हो गया, दो साल में एक बार ये जो कॉम्पिटिशन है वो होता है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स जो जो आपका एजेंसी है या अदर एक यूनिट है वो इसको ऑर्गेनाइज करता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स जो है वो इनॉग्रेट किया गया था 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर्स है मोनाको में। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स के उनका नाम है सेबेस्टियन को। ठीक है, सेबेस्टियन कोए जो है इनके प्रेसिडेंट हैं। सो ये एक आप देख सकते हैं प्लेयर्स का जील बिल्कुल जज्बे के साथ खेलते हुए, बट देन दे विल गेट दी अपॉर्चुनिटी इन 2022, क्योंकि कोरोना का जो भाई अब इफेक्ट है बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे हो चुका है एंड रैपिडली वो फैल रहा है, तो प्लेयर्स को, ऑडियंस को, लोगों को परेशानी ना हो, वो इससे इन्फेक्ट ना हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो पोस्टपोनमेंट है वो की गई है। ठीक है, नाउ ये एक मैप का क्वेश्चन था जो कि आज अपलोड किया गया था लिंक में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हो जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यहाँ आपको तीन हिंट दी गई थी कि यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, ये इंदौर जिले में स्थित है और यहाँ पर महावीर स्वामी, ठीक है, पार्श्वनाथ जी के जो है मंदिर है। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका गोमटगिरी। द राइट आंसर इज गोमटगिरी, जो कि इंदौर में है या इंदौर से कुछ दूरी पर है ये गोमटगिरी। ठीक है, सो दिस इज अ फेमस सैक्रेड प्लेस फॉर जैन। ठीक है, स्पेशली जो जैन डिवोटीज हैं, ठीक है, जो तीर्थ स्थल है जैन तीर्थ स्थल ये है गोमटगिरी, जहाँ पर आपके 24 मार्बल के टेम्पल्स बने हुए हैं। सबसे स्पेशलिटी यहाँ की ये है कि जितने भी तीर्थंकर हैं यहाँ के, है ना, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर होते हैं तो हर एक तीर्थंकर को डेडिकेट करते हुए यहाँ पर 24 मार्बल के जो मंदिर है हर एक तीर्थंकर के लिए बनाया हुआ है। और 21 फीट के यहाँ पर आपको एक 21 फीट की एक मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑफ गोमतेश्वर। ठीक है, गोमतेश्वर जी की जो 21 फीट की लंबी सी मूर्ति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। एंड यहाँ पर 1981 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जैन समाज को ये पूरा जो एरिया है गोमटगिरी का वो हैंडओवर कर दिया था कि आप यहाँ पर अपना जो भी तीर्थ है वो यहाँ पर आप डेवलप कर सकते हैं, और मतलब एक रिलीजियस प्रैक्टिस या जो भी आपको इवेंट वगैरह करने हैं या कोई अगर रिलीजियस इवेंट करना है या कोई भी अगर सेटिंग अप करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो 1981 में ये जो पूरा प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डोनेट कर दिया गया था जैन समाज को, ठीक है, जो आज गोमटगिरी के नाम से जाना जाता है। अब इंदौर की अब बात निकली है तो इंदौर के कुछ और भी स्पॉट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इंदौर के आसपास जो और फेमस स्पॉट्स हैं जो कि आपके न्यूज़ का हिस्सा बनते हैं,
सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं गौतमपुरा की, ठीक है। गौतमपुरा एक जगह है जो कि इंदौर से करीब 55 से 56 किलोमीटर दूरी पर है गौतमपुरा, जहां पर हिंगोट मेला, जो एक थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का मेला है, हिंगोट मेला जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हिंगोट मेला कैसा बनाया जाता है शायद आप लोगों को पता होगा, या अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर दिवाली के अगले दिन, जैसे हम लोग जो पड़वा बोलते हैं, दिवाली के अगले दिन यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप जो है वो इकट्ठे होंगे, अलग अलग गाँव से जो है दो लोग या दो ग्रुप जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे पे हिंगोट फेंकते हैं। हिंगोट मतलब क्या हो गया, एक तरीके का फल होता है जिसके अंदर का जो भी गूदा है वो पूरा खाली करके उसको पूरा खोखला कर दिया जाएगा और उसके अंदर फिर बारूद भर दी जाती है। और वो बारूद जब आप कोई एक व्यक्ति फेंकता है दूसरे व्यक्ति की तरफ, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कोई तारा नहीं टूटता है, तारा टूटता है तो जैसा इमेज नजर आता है वैसे ही वो बिल्कुल आग का गोला जैसा वो दूसरे व्यक्ति पे पड़ेगा। तो इससे काफी सारे केसेस सामने आए थे कि बहुत सारे लोग घायल हो जाते थे, कई सारे लोग मरे भी हैं। तो इसको फिर अभी डिसकंटिन्यू करने का जो प्रपोजल है वो चल रहा था सरकार के द्वारा, क्योंकि बहुत डेंजरस गेम है ये, है ना। मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बारूद से भरा हुआ गोला है ना, आप एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, तो काफी सारे लोग यहाँ पर घायल भी हुए थे। 2016 की मैं बात करूँ, 2018 की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे केसेस आए थे जहाँ पर काफी सारे लोगों की जान भी चली गई थी, है ना। तो 2016 में बहुत सारे केसेस आए थे ऐसे गौतमपुरा के, जहाँ पर ये हिंगोट मेला जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। एक और अगर मैं फेमस स्पॉट की बात करूँ तो वो है सिरपुर तालाब। सिरपुर तालाब अगेन आपका इंदौर का ही पार्ट है, सिरपुर लेक या फिर सिरपुर तालाब इसको बोला जाता है। अब काफी टाइम तक ये न्यूज में या ऐसे लाइमलाइट में नहीं था, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया गया है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जहां पर 13 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है, जहां पूरे इस एरिया को रिफाइन या पूरा रिफॉर्म किया जा रहा है। मतलब थोड़ा लेक एरिया साफ सुथरा करके, यहाँ की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बर्ड्स यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है, बर्ड सेंचुरी टाइप, और बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए इसको एरिया को पूरा डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर आपका जॉगिंग ट्रैक है ना, कुछ बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, जॉगिंग जो पार्क है वो बनाया जा रहा है, फोटोग्राफर्स के लिए एक स्पॉट बनाया जाएगा जहाँ पे वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि काफी ब्यूटीफुल व्यू रहता है सिरपुर तालाब का। तो ये पूरा डेवलप किया जा रहा है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट इन इंदौर, विच इज सिरपुर तालाब, ठीक है। तो 13 से 13.5 करोड़ तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर लगा है अभी। थर्ड एक और इम्पोर्टेंट स्पॉट है इंदौर के आसपास, विच इज राला मंडल, ठीक है। ये हमने सुना होगा, राला मंडल जो है ये आपका एक बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में और 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये इंदौर से, ठीक है। राला मंडल जो कि एक अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नियर इंदौर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स के बारे में हम लोगों ने बात की रिलेटेड टू योर गोमटगिरी, गौतमपुरा, सिरपुर तालाब एंड राला मंडल, ठीक है। सो आज के क्वेश्चंस के लिए इतना ही था गाइस। अब थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो लोग शायद कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे उनके लिए एक क्विक रिवीजन मैं करवा देती हूँ। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये देखा था हमने कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद करने के लिए हाल में ही स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम का एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो यहां पर जो केंद्रीय मंत्रालय है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो आपका पर्यटन मंत्रालय है उन्होंने ये एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, ठीक है। अब इस पोर्टल पे एक COVID-19 हेल्पलाइन नंबर है जहां पर कोई भी अगर फॉरेन टूरिस्ट कहीं पे भी अगर फंसा हुआ है या फिर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके हेल्प मांग सकता है, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन टूरिस्ट के लिए ही ये पोर्टल बनाया हुआ है और विच इज लाइक लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये लाइक लॉन्च किया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इज, अर्जुन देव जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्या थे, ठीक है। तो अर्जुन देव एक एजुकेशनिस्ट प्लस एक आपके हिस्टोरियन थे, ठीक है। हिस्टोरियन का मतलब क्या हो जाएगा, इतिहासकार, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के बारे में हमने बात की थी, जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, जिसकी हम लोग बुक्स रेफर करते हैं, तो इनकी वाइफ जो है इंदिरा अर्जुन देव वो उन बुक्स को लिखती थी, उनका लेख पूरा उनके द्वारा किया गया है। तो अर्जुन देव जी भी को ऑथर हैं काफी सारे एनसीईआरटी बुक्स में, जिनका अभी निधन हुआ है 29 मार्च को,
ठीक है, 29 मार्च को नोएडा में जो है इनका निधन हो गया है, जो कि एनसीईआरटी बुक्स के को ऑथर रह चुके हैं और एजुकेशन की फील्ड में इनका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। थर्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और किस भुगतान लेन देन व्यवसाय ने दुकानदारों के लिए COVID-19 सुरक्षा बीमा कवर जो है वो शुरू किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पे। ठीक है, ये एक QR कोड बेस्ड आपका एप्लीकेशन है भारत पे, जो कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ में मिलकर दुकानदारों के लिए, स्पेशली जो शॉपकीपर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, उन लोगों के लिए COVID-19 सुरक्षा बीमा कवर, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ग्रसित होता है या अगर उनको सिम्टम्स या अगर उनको COVID-19 जैसा अगर रिलेटेड कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन अगर उनको होता है या हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं, तो 25,000 तक का जितना भी खर्चा है वो पे किया जाएगा आपका इस कंपनी के द्वारा, दैट इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो मिनिमम प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब जो हम लोग अपने इंश्योरेंस को कंप्लीट करने के लिए या पूरा उसका पेमेंट खत्म करने के लिए जो प्रीमियम देते हैं छोटा छोटा अमाउंट, वो हो सकता है मंथली भी दिया जा सके, क्वार्टरली भी दिया जा सके, तो वो 199 रुपीज का पूरा जो प्रीमियम है वो यहाँ पर सेट किया गया था। 18 से 65 वर्ष के जो लोग हैं वो इस पूरे इंश्योरेंस कवर को यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो दुकानदार हैं उनकी फैमिली में अगर कोई लोग हैं जो कि COVID-19 से ग्रसित होते हैं, जो भी उनका ट्रीटमेंट रहेगा, तो 25,000 तक का जो पूरा अमाउंट है दैट विल बी गिवन बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि द डेथ ऑफ जीसस नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। नाउ ये जो आपका डेथ ऑफ जीसस नामक पुस्तक है ये एक सीरीज है, ठीक है, अलग अलग सीरीज इसकी बनी है जिसको लिखा हुआ है J.M. कूड्स ने। ठीक है, उनका नाम क्या है, J.M. कूड्स। इन्होंने दो और सीरीज लिखी है, जो कि एक लिखी थी 2014 में, दूसरी लिखी है इन्होंने 2018 में और तीसरी अभी लिखी है इन्होंने 2020 में। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर उनका जो मिडिल एज या उनका जो एक यूथ कैसा निकला है उसको बताते हुए, इनके डेथ को बताते हुए पूरा इन्होंने एक सीरीज ऑफ बुक्स जो है वो लिखी हुई है जिसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, तो 2014 में फर्स्ट सीरीज है, 2018 में दूसरी सीरीज है। ठीक है, सीरीज का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, जो पहला सीरीज है उसका नाम है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, सेकेंड जो सीरीज है जो 2018 में लिखी हुई है उसका नाम है स्कूल डेज ऑफ जीसस, और 2020 में जो अभी लिखा हुआ है उसका नाम है द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, तो ये जो J.M. कूड्स हैं इनको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है दो बार। बुकर प्राइज क्या होता है, ये नॉवलिस्ट को दिया जाता है, जो भी नॉवल्स लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और उस नॉवल का अगर पब्लिशिंग यूनाइटेड किंगडम में या यूके में हुआ है तो उसको देखते हुए बुकर प्राइज जो है वो दिया जाता है एनुअली, हर साल वो दिया जाता है। तो दो बार ये व्यक्ति जो है वो जीत चुके हैं बुकर प्राइज को, मतलब काफी फेमस नॉवलिस्ट ये रहे हैं। ठीक है, सो ही इज मिस्टर J.M. कूड्स और इन्होंने ये बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IAAF द्वारा, IAAF क्या हो जाएगा आपका, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ठीक है, इन्होंने किस खिलाड़ी को डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 साल तक निलंबित कर दिया है। ठीक है, इन्होंने निलंबित जो है वो किया है नवीन चिकारा को। नवीन चिकारा जो कि इंडिया के एक शॉर्टपुट प्लेयर हैं, 2018 में इनका एक डिटेक्शन किया गया था कि इन्होंने एक जो मतलब डोपिंग टेस्ट में ये पकड़ाए थे। ठीक है, एक ऐसे ड्रग का इन्होंने कंजम्पशन किया था जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन उसको कंज्यूम करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो वो अलाउड नहीं रहता है, दैट इज़ इलीगल। तो मिस्टर नवीन चिकारा ने उसको जो है कंज्यूम कर लिया था, 2018 में इनकी पूरी टेस्टिंग हुई थी और ये जो है वो उसमें पकड़ा गए थे, और 2018 से लेकर अब 4 साल तक ये किसी भी इवेंट में अब भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो नवीन चिकारा नाम है इनका, शॉर्टपुट प्लेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा पावर ने शुआखेवी पनबिजली परियोजना का संचालन कहां पर शुरू किया है। ठीक है, तो ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हुआ है जॉर्जिया में। ठीक है, जॉर्जिया में ये चालू हुआ है और पहला ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर इन लोगों को काफी सारी बैंक्स से फंडिंग मिली हुई है, जैसे अगर हम बात करते हैं ADB की, अगर मैं बात करती हूँ यूरोपियन बैंक की, अगर मैं बात करती हूँ वर्ल्ड बैंक की, है ना, तो तीन ऐसे बैंक्स हैं जहाँ से इनको इस प्रोजेक्ट को जो है फंडिंग प्रोवाइड हुई है। और क्लीन एनर्जी सोर्सेज मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर का यहाँ पर यूज़ करते हुए 450 गीगा वॉट का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा, मतलब अभी तक वो ऑपरेशनलाइज हो चुका है।
ठीक है, तो जॉर्जिया में ये जो आपका टाटा पावर के द्वारा जो शुआखेवी पन बिजली परियोजना है उसको शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन ये था कि किस राज्य ने मोदी किचन पहल शुरू की है। ठीक है, मोदी किचन जो पहल है ये चालू की गई है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर विच इज इन तमिलनाडु, वहां पर ये मोदी किचन का कंसेप्ट चालू हुआ है। क्यों चालू हुआ है? कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। अब जो लोग भूख से ग्रसित हैं या भूख मतलब खाने से जो वंचित हैं, उन लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, जो लोगों का कंप्लेन है कि भाई उनको राशन पानी या खाना जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, तो ये मोदी किचन वाले क्या करेंगे, ये एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पर एक दिन में 500 लोगों तक को खाना जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इतनी कैपेसिटी है वहां की। ठीक है, और पूरे कोयम्बटूर में हर 10-10 किलोमीटर के अंतराल में ये जो मतलब प्रावधान है जहां पर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, वो यहां पर सेटअप किया गया है कोयम्बटूर में। ठीक है, विच इज नोन एज मोदी किचन। तो 14 अप्रैल तक, जब तक हमारा लॉकडाउन पीरियड है पूरे इंडिया में, 14 अप्रैल तक ये जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा मोदी किचन के द्वारा, खाने का जो प्रोविजन है वो दिया जाएगा लोगों को। ठीक है, सो ये हमारे कल के कुछ क्वेश्चंस थे जो भी हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज अगेन हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कल के कुछ इवेंट्स, मैप की स्टडी पूरी आज हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा सेशन में, काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आप लोगों को पता चले होंगे। प्लीज आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। डेली हमारी इसी टाइम पे क्लास रहेगी, 6 बजे हम लोग इसी टाइम पे जो पूरा डिस्कशन है वो करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। यूट्यूब टेलीग्राम के थ्रू आप लोग कनेक्टेड रहें, उनकी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज उसको उसके थ्रू कनेक्टेड रहें ताकि PDF क्लास के लिंक वगैरह आप लोगों को पता रहे, है ना, आप लोग अपडेटेड रहें उससे। ठीक है गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी ब्यूटिफुल इवनिंग। थैंक यू।